नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया है सीरीज के अंदर कुछ टेस्ट तो हो गए। आज एक नया टेस्ट सीख रहे हैं, कौन सा? लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। और आज के इस लेक्चर के अंदर लॉगरिथमिक टेस्ट को इस प्रकार से समझाया गया है ताकि आपको एग्जाम टाइम तक इस लॉगरिथमिक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आज के इस लेक्चर में ऐसा क्वेश्चंस भी इंक्लूड किया गया है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, उसको इतने सिंपल वे में अपन समझेंगे कि अब इसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, लास्ट में अपन उस क्वेश्चंस को लेंगे जो एग्जामों के रिव्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और उसमें अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स भी रहती है। तो लेट्स स्टार्ट लॉगरिथमिक लघुगण की है अनुपात परीक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। क्या है लॉगरिथमिक टेस्ट, कब इसको अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले जो लॉगरिथमिक टेस्ट है ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सब में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगनी है, n log un अपॉन un प्लस 1, इसका मान l आ जाए और वही कंडीशन l ग्रेटर देन 1, l लेस देन 1, l इक्वल्स 1। यदि ग्रेटर देन 1 है तब तो सीरीज कन्वर्जेंट, लेस देन है तब सीरीज डाइवर्जेंट, और इक्वल है तो वही क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 से कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट और इक्वल के ऊपर फेल आ गया, तब अपन कोई दूसरा टेस्ट देखेंगे जो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट कब यूज करेंगे? तो इस टेस्ट को अपन तब यूज करते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं, यह टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब un अपॉन un प्लस 1 जो रेशियो टेस्ट है उसके अंदर e अपॉन x या ex या 1 अपॉन ex जैसा रूप बने। कहने का मतलब क्या आ जाए, e आ जाए। अब वो ex से मल्टीपल में आ रहा है, ex के डिवाइड में आ रहा है या 1 अपॉन ex जैसा आ रहा है। तो यदि un अपॉन में un प्लस 1 करते हैं उसका मान इस फॉर्म जैसा बन जाए तो अपन क्या लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले जो कल लेक्चर अपन ने पढ़ा था, कौन सा? रेशियो टेस्ट वाला। यदि आपने नहीं देखा तो कल का जो लेक्चर है वो पूरा रेशियो टेस्ट के ऊपर है और उसको अच्छे से डिटेल में अपन ने डिस्कशन किया है, तो वो लेक्चर देख सकते हैं। पहले वो लगाएंगे, उसके बाद में उसकी दो केस तो पास होंगे और x इक्वल्स टू e या x इक्वल्स टू 1 अपॉन e पर अपन ये वाला टेस्ट अप्लाई कर देंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट वाला। उसमें सहायक श्रेणी लेते थे या लिमिट un पर टेस्ट करते थे, तो वो दो टेस्ट कैंसिल हो जाएंगे। e अपॉन x इस जैसा बनते ही फिर कौन सा लगाएंगे अपन, ये लगाएंगे। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको बिल्कुल सिंपल वे में अपन क्लियर करते हैं इस मेथड को। तो एग्जांपल
इसको राइट कर लो नोट को, और नोट्स बनाते रहना। जो लेक्चर हो गए क्लास में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, खासकर शेखावाटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? वन प्लस टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल थ्री प्लस फोर क्यूब एक्स क्यूब फैक्टोरियल फोर प्लस एंड सो। ये एक सीरीज है, सीरीज दी हुई है। इस सीरीज का टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए अपने को? यूएन चाहिए, और यूएन फर्स्ट लेक्चर में किया हुआ है। या यूएन इस सीरीज का क्या होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि यदि एक टर्म्स को अपन हटा दे तो इसके डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस फर्स्ट को अपन ने क्या किया, सीरीज से बाहर कर दिया। अब जो सीरीज बची उसका क्या निकालेंगे? यूएन निकालेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? टू की पावर वन, थ्री की पावर टू, फोर की पावर थ्री। टू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या जाएगा? एन प्लस वन, यहाँ पर वन टू थ्री, और वन टू थ्री के अंदर क्या आता है? एन। यहाँ पर एक्स की पावर वन लिख सकते हैं, तो एक्स सभी में आ रहा है तो एन भी टर्म्स में भी आएगा। वन टू थ्री का क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा। अपॉन में टू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या जाएगा? एन प्लस वन, और क्या लग रहा है? फैक्टोरियल। तो ये बन गया अपना क्या? यू एन। अब क्या निकालेंगे? यू एन निकालने के बाद में यू एन प्लस वन निकालेंगे। तो यू एन प्लस वन क्या बन जाएगा इसमें? कल किया था अपन ने, एन की जगह क्या रख दिया था? एन प्लस वन। तो एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो क्या बनेगा? एन प्लस टू की पावर कितनी बनेगी? एन प्लस वन इंटू में एक्स की पावर क्या बनेगी? एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू फैक्टोरियल। ये आ गया क्या? यू एन प्लस वन। अब क्या करेंगे? पहले रेशियो टेस्ट निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि उसमें ई आ रहा है, उस फॉरम में बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे इसका? रेशियो टेस्ट। और रेशियो टेस्ट कल किया था अपन ने, कैसे लिमिट लगाई थी एन टेंस टू इंफिनिटी की, यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन किया था। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन का मान ये एन प्लस वन की पावर एन अपॉन में एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसके एक्स को लास्ट में लिखेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा इसके नीचे। ऊपर बनेगा एन प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन में एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन इंटू, यहाँ पर एक्स की पावर एन है और यहाँ पर एक्स की पावर एन प्लस वन, तो क्या बच जाएगा? वन अपॉन एक्स बच जाएगा। अब इसको सिंपल करेंगे, तो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर एन नहीं रखते, ऊपर एन होगा लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी बनेगा। तो क्या करेंगे? पहले ऊपर वाले एन को कॉमन लेंगे, इनमें फैक्टोरियल है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो पावर कितनी? एन। क्या बाहर निकला? एन की पावर एन। क्या बच गया? वन प्लस वन बाई एन की पावर एन। ये लिमिट चलती रहेगी जब तक कि इसका कोई मान नहीं आ जाए। एन प्लस टू को क्या लिख सकते हैं? एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं अपन, पढ़ के आए हैं, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, जहाँ छोड़ेंगे वहाँ पर फैक्टोरियल आता है। ऐसे चलता चलता कहा जाता है थ्री टू वन, इस वन पे भी फैक्टोरियल आता है, लेकिन फैक्टोरियल वन का मान क्या होता है?
वन होता है, इसलिए अपन नहीं लिखते। तो जहां भी छोड़ेंगे वहां पर क्या आ जाता है, फैक्टोरियल। तो ये बन गया एन फैक्टोरियल के फॉर्मूले से अपन ने इसको लिख दिया, एन प्लस टू इसने एक काम किया, एन प्लस वन। यहीं पर क्यों रुके, क्योंकि यहाँ पर एन प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल करना है अपने को, इसलिए अपन कहाँ रुक गए, एन प्लस वन पे। जहाँ रुकते हैं वहां पर क्या आ जाता है, फैक्टोरियल आ जाता है। अब कौन में एन प्लस वन फैक्टोरियल, एन कॉमन लेंगे, बाहर क्या निकलेगा, एन की पावर एन प्लस वन। तो एन की पावर एन प्लस वन निकली बाहर, क्या बचा अंदर, वन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन प्लस वन। और ये क्या चल रहा है, वन बाई एक्स सात चल रहा है। इसके आगे इक्वल में, इसके इक्वल में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन के इक्वल में क्या है, सोल्व करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या बचा, यहाँ पर देखो n प्लस टू है, यहाँ पर n की पावर n और यहाँ पर n की पावर कितनी, n प्लस वन। n की पावर n से n की पावर n कैंसिल होगी, एक n बच जाएगा, उसको अपन लिख देंगे वन अपॉन n। अब देखो क्या कैंसिल हुआ, वन प्लस वन अपॉन n की पावर n है, इसको ऐसे कैसे रहने दो, और क्या बच रहा है, n प्लस वन फैक्टोरियल से n प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बचा n प्लस टू। ऊपर की सारी टर्म्स आ गई, नीचे n प्लस वन कैंसिल हुआ, n प्लस वन इससे कैंसिल हुआ, n बचा वो लिख दिया पहले से ही, ये बच रहा है, इसको ओपन करके लिखेंगे और इसको लिखेंगे अपन वन प्लस टू अपॉन n की पावर n इंटू में वन प्लस टू अपॉन एन, ये लिख दिया अपन ने। इंटू में क्या चल रहा है, वन बाई एक्स, ये चलता रहेगा। अब देखो सब में नीचे एन आ रहा है, लेकिन इसमें कहाँ आ रहा है, एन ऊपर आ रहा है, इसको वन बाई एन को ऐसे लिख दो आप, एन को नीचे, इसमें एन ऊपर आ रहा है, तो इस एन को क्या करेंगे, नीचे लाने के लिए कॉमन लेंगे, वो एन कॉमन आएगा, वो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसका मान क्या जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन की पावर एन वन प्लस टू बाई एन अपॉन में वन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन इंटू वन प्लस टू अपॉन में एन इंटू वन बाई एक्स। अब लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे तो देखो नीचे एन ऊपर एन वन की पावर इन्फिनिटी जैसा ई, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मान वन, यहाँ पर पावर है नीचे एन ऊपर एन, लेकिन यहाँ पर क्या बैठा है, टू बैठा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ई स्क्वायर। कल देखा था अपन ने ऐसा क्वेश्चन, इसका मान वन। तो जैसे लिमिट लगाएंगे ये बना ई, इसका बना ई स्क्वायर, बाकी वन वन और ये बच गया वन बाई एक्स। तो क्या आ गया, वन बाई ई एक्स, नोट करके लिखवाया था वैसा फॉर्म बना। अब वैसा फॉर्म बन रहा है तो अपन एक तो यूएन उसका रेशियो टेस्ट से अपन ने अप्लाई कर देंगे, और बाद में कौन सा लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर देंगे। तो पहले तो दे लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बता देंगे, यदि 1 अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन 1, मान x पर निकालना है, इम्प्लाई करके x को यहाँ ले आओ, तो 1 अपॉन ई से x का मान छोटा है तो सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट। किया था अपन ने 1 से बड़ा आ जाए मान तो कन्वर्जेंट, उल्टा कर दो 1 अपॉन ई छोटा x से तो सीरीज डाइवर्जेंट। अब यदि 1 अपॉन ई है, इसका मान यदि x आ जाए तो ये 1 बनेगा, इस पर ये फेल होगा, कहाँ चलेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट पे चलेंगे। तो यदि ये फेल हो जाता है और x का मान 1 अपॉन ई ई जैसा आ जाए तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है। तो अब इसके आगे अपन करेंगे, बोर्ड पर स्पेस नहीं है तो स्पेस थोड़ा सा
कर लेंगे। तो लॉगरिथम टेस्ट के लिए क्या करना है, n log u n upon u n plus 1 करना है। तो इसका जो u n था u n ही निकाल लेते हैं, इसका जो u n बनेगा वो बनेगा अपने पास में n plus 1 की पावर n upon में n plus 1 factorial x की पावर n। तो un अपॉन में un प्लस 1 n log इक्वल, इसको सॉल्व किया था तो इसका मान क्या आया था अपने पास में सॉल्व करने के बाद में, ये जो सिर्फ सब सिंपल क्या है वो वैल्यू अपन लेंगे, इसका ये मान लेंगे। इसी को तो क्वेश्चन को सॉल्व किया है अपन ने, वापस से सॉल्व नहीं करना अपने को, डायरेक्ट यहाँ से मान उठाना है। अब क्या करेंगे अपन, इस x की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन e लिख देंगे, बाकी पूरा यहाँ से उठाना है। तो कैसे करेंगे इसको, इसका मान n log, ये n log un अपॉन un प्लस 1 का ये मान, लिमिट लगा दो यहीं पे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इसमें भी लग जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n log क्या है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n 1 प्लस 2 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x की जगह क्या है e है, तो इसका मान क्या लिखेंगे, x की जगह 1 अपॉन ही e चला जाएगा ऊपर। अब फॉर्मूला क्या होता है, log x y z यदि मल्टीपल में आ रहे हैं तो क्या बनेगा, log x प्लस log y प्लस log z, यदि यहाँ पे z स्क्वायर होगा तो क्या जाएगा 2 log z। तो इस फॉर्मूले से अपन ये इसको लिखे तो क्या बनेगा, और यदि अपॉन के अंदर t भी आ जाए तो क्या बनेगा, log t जो नीचे होता है वो माइनस करके आ जाता है, मल्टीपल वाले प्लस में आएंगे, पावर वाले मल्टीपल में आ जाएगा और डिवाइड वाला माइनस में आता है। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे करें, ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n log, तो n तो चलता रहेगा बाहर, log का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर है पीछे आ जाएगी, तो n log 1 प्लस 1 बाई n प्लस log 1 प्लस 2 बाई n प्लस log ये e। अब जो बच गए वो माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस n log 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस log 1 प्लस 2 बाई n। क्या किया एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये log है इसको इस फॉर्मूले से लिखना है log, यदि कोई इस प्रकार की वैल्यू होती है मल्टीपल में आ रही तो किस में आ जाएंगी, वो अलग अलग प्लस में, पावर है वो मल्टीपल में आएगी, डिवाइड वाली माइनस करके आती है, ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो n log, तो n तो ले लिया बाहर, और ये जो log है ना इसमें अप्लाई कर दिया, इसको माने x y z, तो क्या बनेगा log x प्लस log y प्लस log z, पावर है पीछे, तो ये क्या बन जाएगा n log 1 प्लस 1 अपॉन n, इसका मान प्लस log 1 प्लस 2 है अपॉन n, इसका मान log e, तो ये जो नीचे वाली है कहाँ जाएगी माइनस में जाएगी, ये बनेगा माइनस का n log 1 प्लस 2 अपॉन n माइनस का log 1 प्लस 2 अपॉन n। अब इसका जो फॉर्मूला है log का क्या,
वो याद होना चाहिए log 1 प्लस x है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x की पावर 4 बाय 4 प्लस m। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कर लेंगे, इस फॉर्मूले से इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो आज का जो मेथड है वो एग्जाम हो पे व्यू की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इस मेथड में। अब इसके आगे ये है इक्वल में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log एक्सपेंशन कर दो 1 प्लस x, तो x क्या है यहाँ पे 1 बाई n, तो क्या आ जाएगा log का, तो एक्सपेंशन कर ही दिए तो log हट जाएगा और बनेगा अपने पास में 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब माइनस n। ये हो गया इसका एक्सपेंशन, ऐसे ही करेंगे इसका एक्सपेंशन, तो प्लस क्या है log 1 प्लस 2 अपॉन n, तो क्या जाएगा 2 अपॉन n माइनस इसका स्क्वायर 4 अपॉन 2 n स्क्वायर इसका क्यूब 8 अपॉन 3 n क्यूब प्लस माइनस n सोर। ऐसे चले log e का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया प्लस 1 माइनस n log, तो माइनस n इसका एक्सपेंशन कर दो, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा 2 बाई n माइनस 4 बाई 2 n स्क्वायर प्लस 8 बाई 3 n क्यूब माइनस n सो। इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो गया था, तो ध्यान नहीं दिया आपने, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो इसको तो हटा दो n वाली और ये प्लस कर, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, इक्वल में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n चल रहा है बाहर, इस पूरे में n से मल्टीपल कर दो तो क्या बचेगा 1, आगे माइनस का 1 अपॉन 2 n, इसके आगे 1 अपॉन 3 n स्क्वायर, ऐसे इसमें माइनस n को मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 यहाँ पे प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 बाई 3 एन स्क्वायर। ये आगे अपन ने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, क्या क्या है n को अंदर मल्टीपल किया है, जो वैल्यू आई उसको लिखा है, क्या बच गया प्लस 1 बच गया, इस प्लस 1 को भी अपन ने ऐड कर दिया, प्लस n सोन, ऐसे आगे भी वैल्यू चलती रहेगी, n सोन में चल रही है, तो 1 अपॉन n स्क्वायर से ज्यादा पावर की टर्म्स कहाँ है इस n सोन के अंदर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कैंसिल, क्या क्या हो रहा है 1 और ये 1 2 माइनस 2 प्लस 2 1 जिसमें 2 टाइम्स तक आ गए, ये बन गया 1 माइनस का 1 अपॉन 2 n प्लस का 1 अपॉन 3 n स्क्वायर, ये माइनस का 2 ये बनेगा प्लस का n से n कैंसिल 2 बाई n आएगा 2 बाई n, यहाँ पे मिस्टेक देखो 1 और 1 2 2 में से 2 गया तो 0। अब आ जाओ n वाली पे, माइनस का 1 अपॉन 2 n
और प्लस का 2 अपॉन n कैंसिल नहीं हुआ, तो अब जो एक तो क्या कर रहे हैं, एक तो इस n को मल्टीपल कर रहे हैं, जो कैंसिल हुई उनको कैंसिल कर दिया और बाकी टर्म्स लिख रहे हैं। यहाँ से बचेगा माइनस का 1/2, n कैंसिल करेगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 2, बाकी वैल्यू है ये बचेगी प्लस का 1/3 n माइनस का 8/3 n प्लस n। सो क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो इनके तो जीरो बन जाएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जीरो बनेंगी आगे सभी में, n स्क्वायर आएगा, n क्यूब आएगा, वो भी जीरो बनेगी, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास में 3/2, और 3/2 क्या है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, इंप्लाइज करके समेशन un इज कन्वर्जेंट। कैसी सीरीज आ गई, un एक अभिसारी श्रेणी है। तो मेथड क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 + x/2 प्लस फैक्टोरियल 2/3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3/4 3x³ प्लस फैक्टोरियल 4/5 4x⁴ प्लस n। सो तो इसका जो un निकालेंगे वो un क्या बनेगा, इसका un बनेगा, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 factorial लिख सकते हैं, और इसमें भी 1 terms को अपन क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं, तो 1 factorial 2 factorial 3 factorial 4 factorial क्या बनेंगे, n factorial बनेंगे। x⁴ 1 2 3 4 क्या बनेगा, x⁴ n बनेगा, यहाँ पे 2^1 3^2 चेंज हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट है तो क्या बनेगा, n प्लस 1 बनेगा और इसकी पावर n बनेगी। ये आ गया अपना क्या, un। अब क्या निकालेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे, तो ये निकाल लिया un प्लस 1, क्या आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे x⁴ n + 1 आ गई और नीचे बन गया n + 2 n + 1। un अपॉन un प्लस 1 कर दे, लिमिट लगा दे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका मान क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में ये फैक्टोरियल, नीचे क्या चल रहा है n + 1 n और ये ऊपर चली जाएगी n + 2 n + 1 और ये क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट लगाई है तो यहाँ भी लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 अभी किया था, फैक्टोरियल को ओपन करना है, n कॉमन लेना है, यहाँ से n कॉमन लेना है, तो ये बनेगा फैक्टोरियल n एज इट इज, इसकी जगह लिखेंगे n^n+1, ये बनेगा 1 + 2 n^n+1 अपॉन में ये n प्लस 1 को ओपन करेंगे तो n + 1 × n factorial, जहाँ छोड़ते हैं वहां पर फैक्टोरियल लगाते हैं एक एक कम करके, यहाँ से कॉमन लेंगे n तो बनेगा n^n 1 + 1/n^n, और क्या चल रहा है 1/x चल रहा है, इक्वल में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n से n कैंसिल होगा, n^n यहाँ पे n^n है कैंसिल करेगी, एक n बचेगा उसको लिख दिया ऊपर, यहाँ पे इसको लिख दिया 1 + 2 n × n, क्यों, क्योंकि ये e स्क्वायर बन जाएगा, तो एक 1 को ऊपर ने क्या कर दिया, इससे अलग कर दिया, n + 1 है इसको अपन ने n + 1 लिख दिया,
फैक्टोरियल एन कैंसिल हुआ है, एन की पावर एन ये इससे कैंसिल हो गई, इसको अपन ने लिख दिया वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, और क्या चल रहा है वन बाई एक्स, इसके आगे की टर्म्स इक्वल में लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एन नीचे एम कॉमन लेंगे कैंसिल करेगा, इसको लिख रहे हैं वन प्लस टू बाई एन की पावर एन, ये बन गया अपने पास में इन टू वन प्लस टू अपॉन एन, नीचे यहां से एन कॉमन लेंगे क्या बचेगा वन प्लस वन बाई एन, यहां एज इट इज वन प्लस वन बाई एन की पावर एन इंटू में वन बाई एक्स, जैसे लिमिट लगाएंगे इसका मान वन बनेगा, इसका मान वन बनेगा, ये एन एन ई स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा ई बनेगा, तो इसका मान क्या आ गया ई स्क्वायर अपॉन में ई एक्स इक्वल में ई बाई एक्स, बन गया वो फॉर्म जो अपन ने नोट लगाया था, दो टेस्ट रेशियो टेस्ट देगा और एक्स इक्वल वाला लॉगरिथमिक टेस्ट देगा, तो e अपॉन x ग्रेटर देन 1 इंप्लाइज करके e x से बड़ा है तो सीरीज कैसी कन्वर्जेंट, और e अपॉन x लेस देन 1 e छोटा है x से तो डाइवर्जेंट, यदि इक्वल है e इक्वल x है तब कहाँ चलेंगे un अपॉन un प्लस 1 के सॉल्यूशन में चलेंगे, जहां अपन ने लास्ट तक सॉल्व किया है लिमिट लगाने से जस्ट पहले, उस टर्म्स को लेंगे और x की जगह इसमें क्या लिख देंगे e लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में तब n log लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल में क्या बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मान लिख दो 1 प्लस 2 बाई n की पावर n इंटू 1 प्लस 2 बाई n अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 1 बाई n की पावर n इंटू x की जगह क्या लिखेंगे e लिखेंगे, तो क्या जाएगा 1 अपॉन e आ जाएगा, कोई फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे लॉग वाला, तो ये क्या बनेगा लॉग, देखो इसके अंदर अपन ने एन लॉग किया है तो इसमें भी एन लॉग करेंगे अपन, तो ये बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन लॉग, लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब तो क्या बनेगा लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन लॉग, ये बनेगा n log 1 प्लस 2 बाई n प्लस log 1 प्लस 2 बाई n, अब नीचे वाले माइनस करके माइनस log 1 प्लस 1 बाई n माइनस n log 1 प्लस 1 बाई n माइनस log, ये आ गया अपने पास में इसका एक्सपेंशन का मान, अब इसको एक्सपेंशन कर देंगे लॉग वाले फॉर्मूले से, इसका वैल्यू निकाल इक्वल में लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एन बाहर चल रहा है चलने दो, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, देखेंगे पहले कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन लॉग एन लॉग 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 इसमें कैंसिल नहीं होगा, तो एक चलो फिर कैंसिल करो, तो एन चल रहा है एक्सपेंशन कर दो इसका, टू बाई एन माइनस टू बाई एन का स्क्वायर बाई टू प्लस आ जाएगा यहाँ तक इसका मान प्लस वन टू बाई एन माइनस टू बाई एन का स्क्वायर वन बाई टू प्लस एन सो नीचे माइनस
इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आगे माइनस एन, 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लॉग ई का मान 1 तो माइनस 1, इक्वल में लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी सॉल्व करेंगे, इस एन को तो रख रहे हैं बाहर, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल होगा तो बनेगा 2, माइनस का 4 से 2 डिवाइड हो गए 2 बाई एन, यहाँ पे 2 बाई एन प्लस का, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गए 2 बाई एन, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 बाई 2 एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 एन, और ये माइनस 1 प्लस एन, ये 2 माइनस 1 माइनस 1 इसको कैंसिल कर देगा, एन की टर्म्स पे आए तो एन की टर्म्स के अंदर 2 बाई एन से 2 बाई एन कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई एन बच गया और 1 अपॉन 2 एन बच गया, इक्वल में लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, और इस एन को भी मल्टीपल कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास में, ये बन गया माइनस 1 मल्टीपल करेंगे, यहाँ से बचेगा प्लस 1 बाई 2 एन स्क्वायर वाली टर्म्स ये है, ये बनेगी माइनस का 2 बाई एन प्लस का 1 बाई 2 एन प्लस एन स्क्वायर, जैसे लिमिट लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल में माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 क्या होती है, एक से छोटी, तो क्या लिख देंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट से x इक्वल्स टू ई के ऊपर समेशन यू एन कैसी है, डाइवर्जेंट सीरीज है, कैसी है, एक अपसारी श्रेणी, क्या लिखेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट या लघु गणितीय परीक्षण टेस्ट से दी गई श्रेणी x इक्वल टू ई के ऊपर कैसी है, अपसारी श्रेणी है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि x इक्वल टू ई के ऊपर इस कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, इसके जो भी तीन केस है वो केस आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लास्ट तक प्रॉब्लम्स रहती स्टूडेंट्स के, तो आज इसको सिंपल वे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और कोशिश करेंगे कि आज इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस एक्स क्या करेंगे, यू एन निकालेंगे, देखो सब में a a a आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो यू एन में भी t आएगा, प्लस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, x 2x 3x मतलब 1 लिख सकते हैं, तो n x है, नीचे 1 2 3 तो फैक्टोरियल n है, पावर 1 लिख सकते हैं तो पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी, ये तो नहीं बना दिया अपन ने किसका मान, यू एन का मान, अब क्या निकालना है, यू एन प्लस 1 निकालना है, क्या बनेगा, ए प्लस एन प्लस 1 एक्स अपॉन में एन प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर एन प्लस 1, क्या करें, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 करें, इक्वल्स टू लिमिट भी लगा दो, एन टेंस टू इन्फिनिटिव क्या बनेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन का मान ए प्लस एन एक्स की पावर एन अपॉन में ए प्लस एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 इंटू ये जाएगा ऊपर, ये आएगा इसके नीचे, x इसके अंदर बाहर नहीं है, x कहाँ है, इसके मल्टीपल में आ रहा है,
इससे पहले जो भी क्वेश्चन था एक्स बार था इसमें मल्टीपल में है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं इक्वल में। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, एन एक्स कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास में, ये तो वन प्लस ए अपॉन में एन एक्स की पावर एन, बार क्या आया एन की पावर एन और एक्स की पावर एन, इनटू ये एन प्लस वन और ये एन, तो क्या लिख देंगे एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, अभी क्या था यहाँ से क्या कॉमन ले ले, एन प्लस वन इंटू एक्स कॉमन ले ले, तो क्या आएगा बाहर एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, क्या बच गया यहाँ से, पहले इसको लिख लो वन प्लस ए अपॉन में एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ से फैक्टोरियल एन। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी कैंसिल नहीं हो रहे तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा एन, और ये एक्स भी बाहर आ जाएगा मल्टीपल में है, तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं एन एक्स की पावर एन प्लस वन, पहले ऊपर वाले टर्म्स की दो, ये इट इज एन की पावर एन एक्स की पावर एन, वन प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर एन, ये एन कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा एन की पावर एन प्लस वन बन जाएगी, ये एन यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा वन प्लस वन बाई एन इंटू फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल अपॉन में, यहाँ से एन एक्स कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन, क्या बच गया वन प्लस वन बाई एन की पावर, ये एन प्लस वन है ना इसको लिख रहे हैं एन इंटू वन प्लस वन बाई एन, लिख सकते हैं एन प्लस वन को ऐसे, ये एज इट इज वन प्लस ए अपॉन में एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन, ये फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो गया, इसके इक्वल में एन की पावर एन प्लस वन से एन की पावर एन प्लस वन कैंसिल, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस वन, एक एक्स बचेगा नीचे बचेगा, लिमिट लिमिट रहेगी, लिमिट लगाते रहेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ से वन प्लस ए अपॉन में एन एक्स की पावर एन, वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, वन प्लस वन बाई एन, वन प्लस ए अपॉन में एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस। अब जैसे लिमिट लगाएंगे तो देखो यहाँ पर एन है यहाँ पर एन है, ए अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे है ऊपर है ई बनेगा, लेकिन क्या है ए अपॉन एक्स, तो ई की पावर ए अपॉन एक्स बनेगा, ये वन बनेगा, नीचे है ऊपर एन वन है तो ई बनेगा, ये वन बनेगा, ऊपर एन प्लस वन नीचे एन प्लस वन सेम आ रहा है तो ई बनेगा, लेकिन कैसा ई की पावर के अपॉन एक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा लिमिट हट जाएगी, ये बनेगा ई की पावर के अपॉन एक्स, और एक चीज हो रह गई वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स, ये वन ये ई ये वन ये e की पावर a अपॉन x इंटू वन बाई एक्स, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, वन अपॉन ex आ गया उस फॉर्म में जो अपन ने नोट करके लिखा था, दो केस वन अपॉन ex ग्रेटर देन वन पर, वन अपॉन ex पे तो कन्वर्जेंट,
और वन अपॉन ई लेस देन एक्स पर डाइवर्जेंट, और वन अपॉन ई इक्वल्स टू एक्स पर टेस्ट पेयर कहाँ जाएंगे, लॉगरिथमिक पे जाएंगे। तो एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल में एन लॉग क्या करे, जो लिमिट लगाई है उससे जस्ट लास्ट वाली पे चलेंगे, ये एज इट इज वन प्लस ए अपॉन एन एक्स की पावर एन वन प्लस वन बाई एन, एक्स की जगह क्या लिखना है, वन अपॉन ई जाएगा ऊपर, अपॉन में वन प्लस वन बाई एन की पावर एन वन प्लस वन बाई एन वन प्लस ए अपॉन में एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन। ये अपने पास में वैल्यू आ गई, यहाँ पे लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, फिर देखेंगे किसका मान क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना। लिमिट भी लगा देते हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन में यू एन प्लस वन इक्वल में लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन बाहर चल रहा है, लॉग का एक्स फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, पहले ये बनेगा एन लॉग वन प्लस ए अपॉन में एन एक्स, ये बनेगा प्लस लॉग वन प्लस वन बाई एन, ये बनेगा प्लस लॉग ई, नीचे वाले सारे माइनस करके लिखेंगे, तो माइनस एन लॉग वन प्लस वन बाई एन माइनस लॉग वन प्लस वन बाई एन, ये कैंसिल भी हो रहा था यहाँ पे क्या नहीं होता, माइनस एन प्लस वन इंटू लॉग वन प्लस ए अपॉन में एन प्लस वन इंटू एक्स, ये इसको कैंसिल कर देगा, जो वैल्यू बच रही है उनमें कैंसिल नहीं हो रही, तो एक्सपेंशन करेंगे अपन। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन चल रहा है बाहर, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वन, तो ए अपॉन में एन एक्स माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स हो, केवल स्क्वायर पर कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, लॉग ई का मान वन, माइनस का एन वन बाई एन माइनस का वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस एक्स हो, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का एन प्लस वन ए अपॉन में एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एन प्लस वन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस एन सो। अब इसको सोल्व करेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी फॉर्मूला एक्सपेंशन किया है और सोल्व कर रहे हैं, एन को मल्टीपल कर रहे हैं, ये एन बाहर चलता रहेगा, इस एन को मल्टीपल किया तो क्या बचा ए बाई एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर टू एन एक्स स्क्वायर, ये प्लस वन, इसको करेंगे तो माइनस वन, इसको इससे करेंगे तो प्लस का वन बाई टू एन, इसको इससे करेंगे तो एन प्लस वन से कैंसिल होगा माइनस का ए बाई एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एन प्लस वन से ये कैंसिल ए स्क्वायर टू एन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एन, वन से वन कैंसिल, ए अपॉन एक्स से ए अपॉन एक्स कैंसिल, तो मतलब कॉन्स्टेंट सभी कैंसिल, ये एन वाली टर्म्स बच रही है, इस एन को मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन को कर दिया मल्टीपल तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में टू एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई टू
ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2। क्या करें अपन, एन को मल्टीपल करें, जैसे मल्टीपल करेंगे तो इस एन को कॉमन लेंगे और ये कैंसिल होगा, लिख देते हैं ऊपर क्या है यहाँ पे एन 2 एन प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो आगे की प्लस। अब देखो क्या करें, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो वो एन इसको कैंसिल करेगा, क्या बचेगा कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा और यहाँ पे 1/n, तो इसको तो 1 रख रहे हैं, इसको कर रहे हैं 1/n, ये कैंसिल। अब अपन जैसे लिमिट लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 1/2 ए स्क्वायर, इसका मान 0 ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 1/2, जो कि क्या है 1 से लेस देन है, कैसी आ गई सीरीज डाइवर्ज है। तो आज लॉगरिथमिक टेस्ट को कंप्लीट, जितने भी उसके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चन अपन ने लिए हैं, 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से थे, जिनमें 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। इस क्वेश्चन में डाउट्स होते हैं तो एक बार और इसको देखना, आप डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 आपके लिए है, इसके क्या मान आ रहे, किस कंडीशन में कन्वर्जेंट किस में डाइवर्जेंट, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।